अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने गीज़र के पायलट का प्रेशर किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं या जो शोला आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। अक्सर अवकात सर्दियों में हर घर में गैस ज़्यादा यूज़ होती है, जिस वजह से गैस का प्रेशर कम हो जाता है और आपका जो पायलट है अगर उसका कम प्रेशर होगा तो वो बार बार गीज़र जो है ट्रिप कर जाता है। आप जब भी इसको चला के जाएंगे और थोड़ी देर बाद देखेंगे तो आप जब आएंगे तो आपका गीज़र बंद होगा। तो इसकी जो मेन वजह है वो यही होती है कि आपके गीज़र का जो शोला है उसका प्रेशर कम है, जिसकी वजह से वो बार बार बंद हो जाता है। एक मिनट, यहाँ दूसरी वजह ये हो सकती है कि गैस का प्रेशर कम है, जिसकी वजह से आपका गीज़र जो है वो ट्रिप कर जाता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि चैनल पर गीज़र के रिलेटेड तमाम इशूज़ का सोल्यूशन जो है वीडियोज़ की सूरत में मौजूद है। अगर कोई भी इशू आपको फेस होता है इसको ऑन करने में तो आप वो वीडियोस देख के अपना गीज़र खुद ही घर में ठीक कर सकते हैं। आए आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो आए आपको बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं, आपको बताते हैं आप इसको किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने पायलट ऑन कर लेना है। अब हम पायलट को कोई 10 सेकंड के लिए पकड़ के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे ताकि वो स्टेबल हो जाए। आपने पायलट की सेटिंग को इंक्रीज़ करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके अंदर ओवन में या स्टोव में जितने बर्नर आप रूटीन में जलाते हैं वो आप जला दें। एक ये तरीका है। यहाँ पे दूसरा तरीका ये है कि आप इसको पहले यहाँ से इंक्रीज़ कर दें और उसके बाद जाके अंदर बर्नर्स अपने ऑन करके देखें कि यहाँ पर गैस का प्रेशर कम तो नहीं हो गया। अगर वो कम हो गया होगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो आप फिर आके इसके पायलट को दोबारा जो उसका प्रेशर उसको इंक्रीज़ करना होगा आपको। अब मैं हाथ छोड़ता हूँ यहाँ से। अब देखें पायलट जो है वो ऑलमोस्ट स्टेबल हो गया। अब हम इसके प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। ये देखें यहाँ से जो है ना आपका मेन बर्नर ऑन होता है, इसके साथ एक ये छोटा स्क्रू लगा हुआ है सीधे मुंह वाला, आपने इसको यहाँ से खोलना है। तब हम इसको ऐसे करके निकाल लेंगे। इसके अंदर एक छोटा स्क्रू लगा हुआ है सीधे मुंह वाला, ये देखें आपने इसको रोटेट करना है तो इसका प्रेशर एक तरफ इंक्रीज होता है एक तरफ डिक्रीज होता है। आए अब इसको रोटेट करके आपको साथ में अंदर पायलट का शोला दिखाते हैं वो कैसे डिक्रीज या इंक्रीज होता है। ये देखिए अब आप अंदर देखिए, आप देखिए मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये इंक्रीज होगा। ये देखिए अब आप अंदर देखें, ये देखें ये इसका फुल प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। अब आपने इतना भी इंक्रीज़ नहीं करना है, जहाँ पे आपके घर की सेटिंग पे स्टेबल हो जाए आपने इसको उतना रखना है। अगर आप इसको फुल इंक्रीज़ कर देंगे तो आपका गैस का बिल जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए बेहतर ये है आप जहाँ पे सूटेबल हो वहीं पर इसको रखें। अब मैं क्लॉक वाइज घुमाऊँगा तो आप देखें ये डिक्रीज़ होगा। अब हम क्लॉक वाइज घुमाएंगे इसको, वहाँ पर दिखाएँ, ये देखें अब ये डिक्रीज हो गया। ये देखें ये तरीक़ेकार था। आप अगर आपके घर में गैस का प्रेशर डिक्रीज हुआ हुआ है सर्दियों में तो आप इसके पायलट के प्रेशर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो ये पायलट है ये बेहतर है इस वक्त। अब हम लोग इसका जो ये स्क्रू है ये वापस लगा देंगे और इसको टाइट कर देंगे। ये देखिए बर्नर ऑन हो चुका है अब हमारा। ये थी हमारी आज की वीडियो कि आप अपने गीज़र के पायलट के प्रेशर को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।